यो तीन भाई थे, तीन ही फैर मारे थे तीनों उसी टाइम कत्ल हो गए। जी जी उसी वक्त ही वो कत्ल हो गए थे। फिर आप कहाँ गए? फिर मैं वेली लखा चला था, नहीं चला गया था। तीन चार दफा उन लोगों ने किया, मैंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मैं यही अपना करता था यार, हमारी लड़ाई ना हो जाए, ठीक है, लड़ाई ना हो जाए, ये लीगली तरीके से काम हो जाए, ठीक है, कानूनी तौर पर सही हो काम हो जाए, ठीक है, लीगली लीगली तरीका ही इंशाल्लाह अपनाया, तो अल्लाह ताला ने सरखरू किया। उन लोगों ने वो तस्लीम नहीं किया, उन्होंने बोला है जो अफसर बने हटा कर गए हैं हमारे रैंप, वही अफसर अपने हाथों से खुद तैयार करेंगे। 42 एच टीवी के साथ मैं हूं आपके मेजबान उमर अली। नादरीन, थाना मंडी उस्मानवाला में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसका मुकदमा नंबर 299/2 है, जिसमें एक मुलजम तीन सगे भाइयों को गोली मारकर बेरहमी से कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद फरार हो जाता है। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस सफाक दरिंदा सिफत इंसान को गिरफ्तार कर लिया है। मैं थाने के अंदर मौजूद हूँ, उस मुलजम से बात करेंगे और उससे जानेंगे कि उसने तीन सगे भाइयों का कत्ल किस वजह से किया। आइए जी नाज़रीन, मेरे साथ वो मुलजम मौजूद है जिसने तीन सगे भाइयों को गोली मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। मजीद इससे बात करेंगे और उससे जानेंगे कि इसने कत्ल किस वजह से किया, कौन सी ऐसी नौबत आनी पड़ी थी कि इसने तीनों भाइयों को ही गोली मारकर कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जावेद इकबाल जी। जावेद इकबाल, मुझे ये बताओ क्या काम करते हो? बस जिम्मेदारा करता हूँ। जिम्मेदारा? जी जी। कितना जिम्मेदार है? माल मवेशी है। उनजी बोले जिम्मेदारा ना साथ माल मवेशी है। माल मवेशी है जी जी। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं आर्मी में करता था। जो है जी, रिटायरमेंट ली थी या वैसे छोड़ के आ गए? नहीं नहीं, मैं डिस्चार्ज लेकर आया था। अच्छा जी जी। फिट कैटेगरी पे। शादीशुदा? जी जी शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं। तीन बच्चे हैं जी जी। क्या उम्र है उनकी? बड़ी बच्ची है जी, 14 साल उसकी। 14 साल जी जी। छोटी बच्ची है उसकी है तकरीबन 11 साल है। कितने बहन भाई हैं आप? हम पांच भाई हैं। तीन 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 बहन हैं। काम करते हैं? वो भी जिम्मेदारी करते हैं। जिम्मेदारी करते हैं जी जी। क्या हुआ था उस दिन कि आपने तीन सगे भाइयों को गोली मारकर कत्ल कर दिया? सर हमारी कोई खानदानी दुश्मनी नहीं थी, ना कोई पुरानी दुश्मनी थी, बस उन लोगों ने गैर कानूनी रैंप बनाए थे, जो वजूहत जो वजूहत बनी है लड़ाई की, और कोई हमारी खानदानी दुश्मनी थी। अगर उन्होंने रैंप बनाए थे तो आप कानून का सहारा लेते, पुलिस के पास आते, कोई एप्लीकेशन देते, क्या था फिर उस दिन की आपने गन उठाई है तीनों को फायर मार दिया? सर सारा प्रोसेस किया है, लीगली तरीका 15 पे कॉल किया, थाने दरखास्त दी है, DPO साहब ने दरखास्त दी है, DCO साहब ने दरखास्त दी है, AC साहब ने, वो प्रोसेस मुकम्मल हुआ है लीगली तरीके से। वो अपना रैंप दोनों गैर कानूनी जो रैंप थे वो मसमार हुए हैं सर। अच्छा। जी जी। फिर वो जो दूसरा ग्रुप था वो कानून से बालातर था, मजबूत थे। बालातर था, अगर वो बालातर था तो वो आपको कत्ल कर देते? वो किसी कानून को नहीं मानते थे, पंचायत को नहीं मानते थे, मैं उनका हमसाया था। तीन माह कबल सर उनकी मिन्नतें करते रहे, उन्होंने कोई ना कोई मिन्नत तस्लीम की है, ना कोई पंचायत का फैसला तस्लीम किया है, बस इनकारी है, ठीक है, इनकारी यही है, यही उठ का कहीं चला जाए। डैम्प से आपको क्या मसला था? जरी सी बात है, एक रस्ते के अंदर डैम्प बना हुआ है, लोग वहां से स्पीडली गुजरते हैं, खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए बनाते हैं, आपको उससे क्या मसला था? सर डैम्प वो जो रैंप थे ना वो कमो पेश 5-5 फुट ऊंचे थे दोनों साइड पे, बारिश का पानी हमेशा के लिए गलियों में रास्तों में जमीनों में चला जाता है, जब दोनों साइडों पे गैर कानूनी रैंप बन जाए फिर पानी कहाँ जाएगा सर, ये आप ही फैसला कर दो सर। नाला वगैरह नहीं बना था रोड के साथ? नहीं था, बिल्कुल नाला नहीं था, सीवरेज का कोई निजाम नहीं था। पंचायतों के बाद आपकी उससे पहले तलख कलामी कितनी दफा हुई थी उनके साथ? सर तीन चार दफा उन लोगों ने किया, मैंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मैं यही अपना करता था यार, हमारी लड़ाई ना हो जाए, ठीक है, लड़ाई ना हो जाए, ये लीगली तरीके से काम हो जाए, ठीक है, कानूनी तौर पे सही हो काम हो जाए, ठीक है, लीगली लीगली तरीका ही इंशाल्लाह अपनाया, तो अल्लाह ताला ने सरखरू किया। उन लोगों ने वो तस्लीम नहीं किया, उन्होंने बोला है जो अफसर बने हटा कर गए हैं हमारे रैंप, वही अफसर अपने हाथों से खुद तैयार करेंगे। ये जो मामला था कितनी अरसे तक चलता रहा कि जब आपने एप्लीकेशन दी इनके खिलाफ, AC को दी, DC को दी, ये मामला कितनी देर तक चलता रहा? ये सारा 21 जून 2022 को काम स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 2 सितंबर 2022 को हमारे जो रैंप कानूनी तौर पे अपने मसमार कर दिए गए हैं, उसके बाद 13 दिन के बाद, ठीक है, उन लोगों ने दोबारा तमीर करने शुरू कर दिए हैं। उस टाइम आपने की कॉल 15 पे? बिल्कुल किया सर, बिल्कुल किया सर। कॉल करने के बाद दूसरे फरीक पहले कोई दुश्मनी भी थी उनके साथ? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी सर, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई हमारी दुश्मनी नहीं थी, मल्लेदारी थी, मल्लेदारी की वजह से मैं उनकी सब लोगों की मिन्नतें की है सर, प्लीज कह ली, मैं
पहले भी कितनी दफा आपको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। फिर करने के बाद वो नहीं माने, फिर उसके बाद आपने क्या किया, ये हल निकाला? जब आपने कत्ल कर दिया था उसके बाद आप फरार हो गए? जी जी, मैं फरार, ये तीन भाई थे, तीन ही फैर मारे थे, तीनों उसी टाइम कत्ल हो गए? जी जी, उसी वक्त ही वो कत्ल हो गए थे। फिर आप कहाँ गए? फिर मैं वेली लखा चला था, नहीं चला गया था उधर, अपने हमारा SHO करबान नवाज सर, उसने गिरफ्तार किया। जी नादरीन, आपने इस मुलजम की बात सुनी, ये वो मुलजम है जिसने एक लड़ाई से वो मामला चला और मामला इस नहज तक पहुंच गया कि इसने तीन सगे भाइयों को गोली मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब इसके तीन बच्चे हैं, गोली मारकर इसने उनको कत्ल कर दिया, उनका भी पीछे कोई नहीं रहा, तीन ही भाई थे, तीनों को कत्ल कर दिया इसने। अब देखते हैं कि पुलिस जो है वो पुलिस इस्तेमाल करते हुए थाना मंडी उस्मानवाला के जो SHO साहब हैं उन्होंने इनको अरेस्ट किया। अब देखते हैं कि इसको आगे क्या सजा जजा मिलती है। अब इसके बच्चों की भी जिंदगी तबाह हो गई है, उनको तो इसने बर्बाद कर दिया है। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV।